पब्लिक अपन फिर से आगे ले चले जा भोसड़ी के। Hey guys, it's me, Dhiru Manchik. और गाइस आज हम बात करने वाले भोजपुरी सॉन्ग्स के बारे में। नहीं 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 नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, चेंज करो। मजा चाहिए मजा। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सॉन्ग्स के बारे में। आया ये तो भैया हमें ऐसे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कोई भी भोजपुरी सॉन्ग बिना ऑटो ट्यून के तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये है एक नॉर्मल सिंगर का गला और ये है एक भोजपुरी सिंगर का गला। भोजपुरी सिंगर पैदा ही गले में ऑटो ट्यून इंस्टॉल करा के होता है और भोजपुरी सॉन्ग ऐसे वैसा बंदा ऑटो ट्यून नहीं करता है। एकदम 11 रुपए प्रति घंटा में साइबर कैफे पे बैठ कर कोई ढिंचक पूजा या फिर ओम प्रकाश मिश्रा जी स्वयं बैठ के उसे ऑटो ट्यून करते हैं। तो भैया आज हम बात करने वाले भोजपुरी सॉन्ग के, तो जितने भी भोजपुरी सॉन्ग लवर्स हैं उनसे हमारी एक विनती है, कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में गाली ना दे, बाकी दे सकते हैं, ज्यादा ही कमेंट आएंगे, देना भाई खुल के देना। तो आज की हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला गाना है वो है कूलर कुर्ती में। जी हाँ, कूलर कुर्ती में। इस गाने में ऐसा होता है कि ये लड़की डांस कर रही होती है, डांस करते करते इसे पसीना आ जाता है, तो ये आइंस्टाइन का चौथा अवतार आता है और कहता है कूलर कुर्ती में लगाना कि दिस इज बियॉन्ड साइंस। कूलर कुर्ती में लगाना भैया ये होता है कूलर का साइज और ये है इस लड़की का साइज। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि इसकी कुर्ती में कूलर कैसे फिट करोगे हैं? यार भैया अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जीन्स में भी लगा दो, बड़ी गर्मी लगती है, गर्मी आने वाली है, फिर हम भी तुम्हारे लिए गाना बना देंगे कि कूलर जीन्स में लगा दे कि कूलिंग होत रही। क्या कर रहा हूं मैं। और भैया अगर तुमने कूलर की इतनी बड़ी कंपनी खोल रखी है तो एक छोटा सा पंखा अपने कुर्ते में भी लगा लो, इसमें साला पसीने से एकदम तर हो चुका है, अपने कुर्ते की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस लड़की की कुर्ते की टेंशन हो रही है, उसमें कूलर फिट करने तैयार हो तुम? एक तो जुल्मी गर्मी बावे ऊपर से जो रोता लाइट। ये चल क्या रहा है, इस लड़की को इन बिल्डिंग वालों के सामने क्यों नचाया जा रहा है? और ये बेटी चोद अपने हाथ से क्या कर रहा है, कोई मुझे समझाएगा? और भैया ये अधेड़ उम्र के अंकल किस सदमे में? और ये साला साइड वाला है तो कभी गांजा फूक क्या रखा है? ये चल क्या रहा है यहाँ? अब जो हमारी लिस्ट में अगला गाना है वो है सिम की तरह। मतलब गाना सिम की तरह नहीं है, गाने का टाइटल है सिम की तरह। अपना दिल के मोबाइल में घुसाना राजा जी हमके सिम के तरह। अरे बच्चो दिल का मोबाइल भी होता है, हमें तो नहीं पता था भैया, हमारे दिल के आसपास तो कुछ नहीं है, बस निप्पल पे 2-4 बाल है। और दीदी तुम्हें एक बात बताऊं, आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं ना वो डुअल सिम आ रहे हैं, तो जरा अपने राजा जी को थोड़ा सा संभाल के रखना, और अगर चाइना का मोबाइल लोगे तो उसमें 4-5 सिम डल जाते हैं, सोच लो तुम फिर। अब हाँ पूछ दे सारी नाक इसकी गर्दन से ही पूछ दे, और तो कोई जगह ही नहीं है नाक पूछने के लिए, साले रेंट ले। अभी तक तुम्हें ये लग रहा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़का लड़की अंकल और बुड्ढे ही हरामी होते हैं, बच्चे तो संस्कारी होंगे ही, लेकिन तुम इस बच्चे को देख लो, उसके बाद तुम्हारा ये भ्रम भी टूट जाएगा। थर्मामीटर की बात चल रही है, क्या कहना चाह रहे हो, कौन हो तुम? मैं माता चोलू 14 का ये नवजात शिशु साला, और भयंकर बातें सुनो इसकी। आज नापो थोर गर्मी लगा के थर्मामीटर, थर्मामीटर लगाने में PhD कर रखी है इसने, वैसे इससे ढंग से अपना पैंट का हुक तक नहीं लगता है। ठंडाई दे हम तोर गर्मी, भर दे हम हौदा में पानी, हौदा में पानी। हौदा मुझे नहीं पता भाई ये क्या चीज होती है, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये बालक यही है जो अब बड़ा हो चुका है, पहले ये लोगों पे पानी डाल के गर्मी मिटाता था और अब इसने भैया अपना कूलर का बिजनेस खोल लिया और अभी लोगों के कुर्ते कुर्ती में कूलर फिट करता हुआ फिर रहा है।
अब हम अपनी लिस्ट का अगला गाना देखने वाले हैं, जिसका नाम है जान मारे लहंगा। अबे लड़की लहंगा चोरेगा जो ये टाइटल रख दिया तुमने। ये क्या हो रहा है और ये क्या देखा जा रहा है भैया पेड़ के नीचे एकदम चौकड़ी जमा के लौंडों की। अरे बहन चोद पंचायत बैठा के पॉन देख रहे हैं ये लौंडे तो असलील हैं ये बालक। और ये साला चश्मे वाला है तो अलग ही लेवल का आपसी हो रहा है। अरे बहन चंद मुकेश तुम बहन चो यहाँ भी आ गए अपनी कांड मराने, मतलब गुटखा खाया जा रहा गुटखा हिलाया जा रहा था। ओहो, अगर भैया कोई लड़का किसी लड़की से बात करने जाता है ततून वतून मंजन वंजन करके जाता थोड़ा, लेकिन पहनचोद ये लौंडा साला गुटखा खा के जा रहा है। फिर इन जैसी लौंडे रात को यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं टोटके वाली वीडियो, वो शादीशुदा औरत को वश में करने का तरीका। अरे एक बात तो मैं सोचना ही भूल गया यार, हो सकता है अजय देवगन सर का फैन हो। बोलो जय यो। ये गाना मेरे सिर से बिल्कुल ऐसे उतरा है जैसे बिना सबटाइटल के मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ। बस मुझे इन चार कुपोषित कबूतरों पे तरस आ रहा है कि बहनचोद पॉन देखने के बदले इन्हें क्या क्या करना पड़ रहा है। मुठ्ठल आदमी का भी कोई ईमान या धर्म नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो पॉन देखने के लिए, कुछ भी, वो इन चारों ने साबित कर दिया। ए मुठ्ठल डिसलाइक नहीं करना समझा क्या? भाई करना प्लीज, नहीं तुम सारे के सारे मुठ्ठल आज डिसलाइक करो, हम देखते हैं हमारी गैंग में कितने मुठ्ठल है, ठीक है? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ डिसलाइक करो। और गाइस तुम्हें एक बात जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा, मोदी जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है और उनका पहला गाना है लहंगा लखनऊ फुल HD वीडियो। ये फकीरी है वो गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ जान मारे मारो भाई मुझे मारो है। ये फकीरी है, हम तो गरीब आदमी है, चोला उठा के चल देंगे लेकिन प्लेन में। जिनने भी ये वीडियो बनाई है साले शरम कर। इस पे भयंकर 1.2 मिलियन व्यूज है। वैसे भाई जिनने भी ये वीडियो बनाई है उसकी हिम्मत की दांत तो देनी पड़ेगी बहन। तो गाइस ये वीडियो में इधर ही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताओ मुझे। बाकी हम लाइक गेम रख देते हैं, अगर लाइक गेम पूरा हो जाएगा तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। हम लाइक गेम रखते हैं 1,20,003 लाइक्स का। पता नहीं भाई आजकल मेरे चैनल वैनल की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा मेरी वीडियो, होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, देखते हैं। अगर पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा, कमेंट करके बताना बाकी वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मेरा गेमिंग चैनल है, अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो तो आ जाओ उधर, डीमॉन्चिक नाम से।